So hello dear students, now so far we have discussed the motion of a charged particle inside the magnetic field, and we had discussed two conditions to start with. If suppose the direction of the magnetic field is like this, say even before that I'll say that if the direction of the magnetic field is like this and the velocity of the particle is also like this, matlab both of them are parallel to each other, and then the force experienced by this charged particle will be equal to zero, because theta is zero in this case and sine of theta is how much? Zero. Sine of zero is how much? Zero. Isle it does not experience any force due to the magnetic field. And the second case that we have discussed is the direction of the magnetic field is like this and the velocity of the particle is perpendicular to it. Okay, this is the charged particle having charge q. So what is the force experienced by this? The force experienced is maximum, and this is equal to b into q into v. V is the strength of the magnetic field, q is the charge, and v is the velocity. In this case the force experienced is perpendicular, so therefore the particle starts moving in circle, सर्कुलर पाथ लेता है जब ये परपेंडिकुलर होता है तब. ओके, ये तो अभी क्लियर है सबको, किसी के दिमाग में कोई डाउट होना नहीं चाहिए इसके बारे में. अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है वेलोसिटी को तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मूव करने लगता है. यू नो द रेडियस. रेडियस इज इक्वल टू हाउ मच? एम वी डिवाइडेड बाय बी क्यू. देन वी हैड ऑल्सो डिस्कस्ड द टाइम पीरियड. वी सॉ दैट टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस, बिकॉज जैसा जैसा रेडियस बड़ा होता जाएगा वैसा वैसा वेलोसिटी भी बढ़ते चली जाएगी. इसलिए r बाई v रिमेन्स कॉन्स्टेंट, एंड इसलिए टाइम पीरियड उसका कैसा रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है. एंड द टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2πm अपॉन dq. क्लियर? यहां तक कोई डाउट? एंड देन एंगुलर वेलोसिटी भी हमने देख लिया था. एंगुलर वेलोसिटी इज हाउ मच? dq बाय m. क्लियर? ये सब केसेस में देखो, या तो पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है या तो फिर पार्टिकल परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है. किसको? मैग्नेटिक फील्ड. इज दिस पॉइंट क्लियर? नाउ टुडे वी विल डिस्कस अ केस इन विच द मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, वॉट एवर बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन जो पार्टिकल मूव करेगा दैट विल नॉट मूव इधर पैरेलल टू दिस और परपेंडिकुलर टू दिस. ये क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को एक पर्टिकुलर एंगल पे मूव करेगा. सी दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड. सो ये दिस विल मूव एट एन एंगल थीटा टू द मैग्नेटिक फील्ड. ये चार्ज है हमारा, इसका मास m है, चार्ज q है, और ये डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी है. क्लियर? समझ में आ गया? अब देखो, वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में है. Now, हमने देखा था कि भाई वेलोसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड, और फॉर दैट मैटर कोई भी वेक्टर हम लोग इसके कंपोनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? एक ये वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और दूसरा ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट. सपोज ये वी है, ये कितना एंगल है? थीटा. सो इसका ये वाला कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? बी कॉस ऑफ थीटा. वी कॉस ऑफ थीटा. तो ये वी है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? v sin of theta. क्लियर? अब इसको दो टुकड़ों के फॉर्म में देखो, इंडिपेंडेंटली देखो, दोनों को मिक्स मत करो. दिस इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स. एक तो ये वाला है v sin of theta, ये चार्ज है, मास m है, ये इधर मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है. दूसरा ये वाला कंपोनेंट है जो वेलोसिटी इधर है, यही मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन है, क्यू एंड एम, मास एम, चार्ज इसके ऊपर क्यू. अब दोनों को सेपरेटली देखो. सी, फर्स्ट यू सी दिस वन, इसका वेलोसिटी क्या बी के डायरेक्शन को पैरेलल है? इज इट पैरेलल? सो व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस? जीरो. इसके ऊपर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा. इसका मतलब जिस डायरेक्ट, वैसे भी मैग्नेटिक फोर्स करता क्या था? क्या ये वेलोसिटी, क्या मैग्नीट्यूड चेंज करता था? क्या चेंज करता था? ओनली डायरेक्शन. अब जब फोर्स ही एक्ट नहीं हो रहा है
विल देर बी एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी? इसका मतलब ये कंपोनेंट जिधर चल रहा था उधर ही चलता रहेगा, उसको कोई लेना देना नहीं दूसरा कंपोनेंट छूट गया कि आ रहा है कि क्या हो गया उसको, क्लियर। अब दूसरा कंपोनेंट बेचारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, अब वेलोसिटी तो ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? इनसाइड। मतलब ये जो इधर जा रहा था इधर इधर ऐसा जा रहा था, इसके ऊपर इधर के डायरेक्शन में फोर्स है, तो क्या ये ऐसा नहीं मूव करने लगेगा? सो अगर ये x है ये y है, सो इसके इसका जो फोर्स है वो किधर है? माइनस जेड। किधर? माइनस जेड। बराबर है, ये पूरे बोर्ड को इधर शिफ्ट कर दो, यहां है बोर्ड अभी ट्रांसपेरेंट, क्लियर। दिस इज x, दिस इज y। अब ये देखो ये जो इधर जा रहा था ये अब इधर जाएगा, गेटिंग इट? पहले का पोजीशन कहां था? यहां पे, दिस वन। ये इधर घूम रहा है, सेंटर कहां पे होगा? क्या यहां होगा सेंटर? नहीं, सेंटर तो इधर होगा, यहां से स्टार्ट किया है और यहीं पे आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है क्या? तो ये कंपोनेंट तो इसी में लगा हुआ है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने में, बराबर है। सेंटर इसका जिधर फोर्स उधर सेंटर, तो ये कहीं तो भी यहां सेंटर है, लेकिन है तो दोनों साथ में, ये वाला भी है और ये वाला भी तो है, तो ये तो यहां घूमने में लगा हुआ है, ओके। तो ये बोल रहा है उसको कि भाई मुझे तो गार्डन में जाना है, ये बोल रहा है नहीं मुझे तो पढ़ना है, तो ये बोल रहा है भाई पढ़, तू गार्डन में चढ़ के पढ़, ओके। तो ये क्या करेगा? वह तो पढ़ते ही रहेगा, वो सर्कुलर घूमता ही रहेगा, लेकिन इसके कारण ये अब इधर भी मूव करेगा। यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो इसका मतलब इसका पाथ कैसा होगा? देखो ना धड़ पढ़ पाएगा ना गार्डन में बैठ पाएगा, बराबर है, ना ढंग से पढ़ पा रहा है ना गार्डन में बैठ पा रहा है। सो ये जो पाथ है दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? हेलिकल पाथ। क्या बोलते हैं इसको? हेलिकल। ये तो हो गया सर्कुलर पाथ, ये हो गया हमारा स्पाइरल, ये किस टाइप का पाथ है? हेलिकल। समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? सो देयरफॉर when a charged particle is having velocity or is moving at some angle theta to the direction of the magnetic field, it moves along a helical path. Samajh mein aa gaya? When a charged particle is moving in the direction of the magnetic field, it will keep moving in the straight line because there is no force on that charged particle. If the charged particle is simply kept in the magnetic field with velocity zero, it will not experience any force. It will continue to be there only. वहीं पे पड़ा रहेगा वो। Okay, कुछ लेना नहीं दुनिया से, कोई लेना देना नहीं, पड़ा है पड़ा ही रहेगा। अगर ये velocity magnetic field के direction में move कर रहा है, then also it will not experience any force. तो जो velocity में जा रहा था वो उसी velocity में चलता रहेगा uniformly straight line में। अगर ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू विच इट विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ। लेकिन अगर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के कुछ एंगल पे, तब तो ये सर्कल भी बनाएगा और आगे भी बढ़ेगा। आगे का वेलोसिटी इसका क्या होगा? वी कॉस ऑफ थीटा। इस डायरेक्शन में कितने वेलोसिटी से चलेगा? वी कॉस ऑफ थीटा। और इधर वी साइन थीटा, ये वेलोसिटी है, ये कांस्टेंट बनी रहेगी बट सर्कुलर पाथ में ये मूव करेगा। समझ में आ गया? अब देखो ये एक ही सर्कल की बात करते हैं, फिर से हम लोग जुदा कर देते हैं सेपरेट, ओके, तेरा तू मेरा मैं पीटीएम में। सो ये ऐसा सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सो सपोज ये मान लिया जाए कि वी कॉस थीटा ने उसका साथ छोड़ दिया है, तो ये तो यहीं पे घूमता रहेगा, यस और नो? सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ? क्या सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा इस केस में? व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ? रेडियस इज हाउ मच? एम वी बाय बी क्यू। लेकिन क्या वी वी लेंगे हम लोग इस बार? सिर्फ कौन सा वाला लेंगे? वी साइन ऑफ थीटा, क्योंकि ये वेलोसिटी है जो रिस्पॉन्सिबल है इसके सर्कुलर पाथ के लिए। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? सो दिस इज वी साइन, एम वी साइन थीटा अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, तो जो है वही है।
चार्ज को जो है वही है, सो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ अलॉन्ग विच दिस पार्टिकल मूव्स। समझ में आ गया? अब ये सर्कल में मूव कर रहा है, ओके मतलब इसका टाइम पीरियड भी होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसका, तो टाइम पीरियड टी इन दिस केस विल बी इक्वल टू हाउ मच, बोलो 2 पाई, एम तो कांस्टेंट ही है, बी इंटू क्यू यही तो रहेगा, कुछ भी तो उसमें से बदल नहीं रहा है, सिर्फ वेलोसिटी तो है जो दो कंपोनेंट्स में हमने डिवाइड किया है, बाकी सब तो वैसा का वैसे ही है। सो देयरफॉर दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस सर्कल, ओके। अब इस डायरेक्शन देखो, मजा तो इसमें है अभी जो डिस्कस करेंगे, इरेज करता हूं, ओके। अगर वी कॉस थीटा ने उसका पूरा का पूरा साथ छोड़ दिया होता तब तो इसने यहीं पे सर्कल पूरा कर लिया होता अपना वी साइन थीटा के कारण, लेकिन वी कॉस थीटा ने अपना साथ छोड़ा नहीं है, बराबर है, तो इसका मतलब ये सर्कल पूरा करते करते एक सर्कल यहीं पे पूरा हो जाता उतने ही टाइम में, तो यहां बढ़ गया भाई, अगर कुछ नहीं होता तो यहीं पे घूमता टाइम टी में, लेकिन अब टाइम टी में ये वेलोसिटी का कंपोनेंट भी तो उसके साथ में है, तो उतने ही टाइम में ये आगे भी तो बढ़ेगा, क्लियर ना? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? सो मतलब यहां ये सर्कल पूरा होता, इसकी जगह पे अब ये इधर हो गया, तब बांगड़े असर है प्लास्टिक चा लान पोरना गल लान पोरेडी, ओके। सो ये यहां कंप्लीट होता उसके बजाय अब ये टाइम टी में तो यहां मूव कर रहा है, ओके। तो ये पहला वाला बैंगल वो प्लास्टिक का और ये लास्ट वाला, इसके बीच में कुछ नहीं है अभी हमारे काम का, ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड एज पिच, व्हाट इज दिस कॉल्ड, पिच। समझ में आ रहा है? सो पिच इज व्हाट, इट इज द डायरेक्शन, इट इज द डिस्टेंस अलॉन्ग विच दिस पार्टिकल मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया? राइट डाउन, पिच इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। Everybody noted it down? Now, अब पिच इसका होगा कितना बेटा, वेलोसिटी कितनी है, किस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, v cos ऑफ थीटा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v cos थीटा। क्या ये वेलोसिटी कांस्टेंट है या चेंज हो रही है? कांस्टेंट है। टाइम कितना लग रहा है यहां से यहां पहुंचने के लिए, टाइम कितना लग रहा है, टाइम पीरियड कैपिटल टी भाई, एक एक टाइम पीरियड में एक सर्कल कंप्लीट करता है, अब इसको एक जगह पे सर्कल कंप्लीट नहीं कर रहे, बोल रहे तू यहां से या यहां तो आएगा, ओके, लेकिन एक जगह पे नहीं, यहां से शुरू करेगा, जो यहां आता वो अननेसेसरी यहां पहुंच रहा है, बराबर है ना, यहां पे अगर घूमता तो यहां जाता यहां पे आता, अब ये यहां तो शुरू कर रहा है तो यहां मूव कर रहा है, तो ये इधर खत्म होगा इसका, ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, पिच। So then pitch x is equal to what? Velocity into time. What is velocity? क्योंकि ये velocity से इधर move कर रहा है, इधर का velocity इसके किसी काम की नहीं, v cos theta into what is this time? कितना है time period?
Is this point clear? This is the beach. Okay? Keep job, not karna. नहीं, सिर्फ एक सर्कल के लिए जितना टाइम लगने वाला था उसको हम लोग टाइम क्रिएट हो गए, उतने ही टाइम में ये यहाँ पहुंच रहा है। टाइम पीरियड में नहीं नहीं सिर्फ हाँ सिर्फ टाइम पीरियड में वो कितना जा रहा है, बस दैट्स इट। बाकी उसको पूरा जाने के लिए तो टाइम कितना लगेगा तो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। पिछले आप चलो एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, सो थिंग्स विल बी क्लियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JEE, I plus V2J. There is a particle which is moving with velocity V1I plus V2J and the magnetic field is equal to V0 into I cap. मतलब direction of the magnetic field किधर है? Along x-axis. बराबर है। देन वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, ये वेलोसिटी है हमारा, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, ये वाला कंपोनेंट दिस इज इक्वल टू V1 I मतलब क्या है, x कंपोनेंट, V2 J y कंपोनेंट इज V2। इज देयर एनी z कंपोनेंट फॉर दिस? देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड इन अलोंग z। सो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डायरेक्शन में, इसी प्लेन में, इट्स नॉट देयर इन दिस, सिर्फ ये प्लेन, इन दिस प्लेन। ओके, द पार्टिकल इज प्रेजेंट हियर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल, find the coordinates of the particle at some time small t, at some time small t. Okay, देखो मजेदार प्रॉब्लम है, जितना भी पढ़ा है थ्योरी वो पूरा क्लियर हो जाए। देखो पार्टिकल तो यहाँ पे है, क्लियर, इसके दो कंपोनेंट्स है वेलोसिटी के, V1 और V2, इसलिए तो V वेक्टर इज इक्वल टू V1 I plus V2 J। मतलब x कंपोनेंट कितना है V1, y कंपोनेंट कितना है V2। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? x डायरेक्शन में है सिर्फ, इसलिए V0 I, राइट, इसका x कंपोनेंट क्या है एक्चुअली B0, बराबर है, देयर इज नो y कंपोनेंट, देयर इज नो z कंपोनेंट। ओके, नाउ इस कंपोनेंट के कारण द पार्टिकल विल मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ। ये कंपोनेंट तो पैरेलल है, इसमें तो कोई चेंज होना है नहीं, जितना वेलोसिटी से मूव कर रहा था उतनी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। इंपॉर्टेंट कौन सा है हमारा? ये वाला कंपोनेंट। अब इसके कारण द चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस सम फोर्स। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स यू टेल मी, बोलो, कोई भी आओ आके बता, चलो कम हियर, व्हाट इज द डायरेक्शन, इधर होगा वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इनवर्ड, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड होगा, अंदर के डायरेक्शन में माइनस जेड होगा, बराबर है।
So this particle which was moving like say ये इधर से जा रहा था ना, ये component का हम लोग विचार कर रहे थे सिर्फ ना, ये इधर जा रहा था, this will experience a force in this direction. So इसको ये board को मैंने यहाँ लेके आ गया, इधर transparent है board. So इधर force experience करेगा, clear? ये था कहाँ पे, zero zero पे, बराबर है. अब ये किधर मूव करने लगेगा ऐसा, यस अंडरस्टैंडिंग दिस. सो अगर मैं इसी बोर्ड को ऐसा घुमा दूं तो ये कैसा दिखेगा, देखो ये हमारा ये जेड एक्सिस जो अंदर था ना, इधर था ना माइनस जेड, इसको मैंने क्या कर दिया, ऐसा घुमा दिया. अब Z इधर घूम गया है तो ये जो X था वो तो अंदर चला जाएगा, बराबर है. और Y किधर, वही का वही, ये तो वही का वही रहेगा, बराबर है. So therefore अब ये देखो ये ऐसा घूमेगा, do you agree with me or not, बराबर है. एक्स से तो उसका कोई लेना देना नहीं है, तो वाई और जेड की लड़ाई है, बराबर है. सो देन ये तो था हमारा पॉइंट जीरो जीरो जीरो, ओके. अब देखो टाइम टी में सपोज ये यहां चला गया, यहां से घूमना शुरू हुआ था ना, सपोज टाइम टी में यहां चला गया, तो ये पॉइंट है, ठीक है. सो जिधर इसका सेंटर किधर होगा, यहाँ पे कहीं, तो इधर था तो यहाँ पे कहीं तो दिखा ना, सॉरी इधर कहीं तो ना, तो इसको हमने ऐसा घुमा दिया तो यहाँ पे कहीं होगा, ये डायरेक्शन में घूम रहा है ना, सेंटर तो यहाँ पे होगा नेगेटिव ऑफ जेड में, बराबर है. यहां से इसको करेक्ट कर दो, ये जो डिस्टेंस है दिस इज आर, मानते हो कि नहीं, इतने गंभीर क्यों हो, समझ में मुद्दा समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया. देखो ये हमारा पार्टिकल है, ओके फाइन, मैंने बोर्ड को ऐसा घुमा दिया, जो एक्स, ये एक्स इधर है ना, बोर्ड जैसा है वैसा ही देखो पहले, तो ये एक्स इधर है, ये वाई इधर है, अंदर ये जेड, बाहर जेड तुम, अंदर में माइनस जेड, बराबर है. ये जो हमारा पार्टिकल है ये एक्स एक्सिस है मेरा फिंगर, ये तो घूम रहा है, ये तो जा रहा है वेलोसिटी से, ये पेन की डायरेक्शन में, दिस वन, सो कुछ एंगल पे जा रहा है ये. सो हम लोग क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट्स फाइंड आउट करेंगे, ये वाला कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट. एक्स कंपोनेंट को तो भूल जाओ, वाई कंपोनेंट देखो वो कितना है, वी टू, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी ये है, तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा, ये बोर्ड के पीछे में तो ये घूमेगा, देखो ये बोर्ड पे है, बोर्ड पे, बराबर है ना, इस पॉइंट पे, और फोर्स ही इधर है तो ये तो बोर्ड के पीछे में घूमेगा, सीढ़ी पीछे जो स्टेयर्स है वो इधर ऐसा सर्कल बनाएगा, तो इसका सेंटर कहाँ पे है, पीछे, बराबर है. अब क्या करो, बोर्ड के पीछे जाके खड़े रहो तुम लोग, बोर्ड के पीछे जाओगे तो देखो ये है हमारा बोर्ड वाला पॉइंट, ओके, पीछे में जस्ट गए देखे तो ये लाइन दिखेगी पीछे वाला साइड, ये इधर सर्कल कर रहा है. तो सपोज टाइम टी के बाद में यहां पे पहुंचा है, इसको ज्वाइन कर दो, तो ये सर्कुलर पाथ है तो ये भी तो रेडियस होगा. नाउ दिस रेडियस आर विल बी इक्वल टू व्हाट, रेडियस आर इज इक्वल टू हाउ मच, रेडियस एम वी बाय बी क्यू, लेकिन बी कौन सा वाला, एक ही है, बी जीरो इंटू क्यू, और वी कौन सा है, वी कौन सा है, वी टू, क्लियर. नाउ ये तो हो गया हमारा रेडियस, ओके. अब यहां से यहां तक यहां पहुंच जाए इसके कोऑर्डिनेट्स कौन सा होगा, ये होगा हमारा जेड कोऑर्डिनेट, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट होगा, बराबर है. और वाई कोऑर्डिनेट हम लोगों को कैसा मिल पाएगा, हाँ जेड माइनस ही होगा,
बट वैल्यू मैं बोल रहा हूँ, बट लिखते समय तो माइनस लिखेंगे। अब ये जेड कोऑर्डिनेट हमको कैसा मिलेगा, देखो ये वाला, ये क्या है, यहां से इफ दिस इज थीटा, दिस वन, ये तो आर हो गया, सो दिस वन विल बी इक्वल टू व्हाट, आर कॉस ऑफ थीटा, ये वाला, ये वाला क्या हो गया, आर साइन थीटा, ये सॉरी, अगर ये आर कॉस थीटा है और यहां से यहां तक टोटल आर है तो ये क्या होगा, आर माइनस आर कॉस थीटा, ये वाला पार्ट, ये दिस इज इक्वल टू हाउ मच, आर माइनस आर कॉस ऑफ थीटा, मतलब आर कॉमन निकालो, वन माइनस कॉस ऑफ थीटा, एनी डाउट, ये आर साइन थीटा है, थीटा थीटा किस पे डिपेंड करेगा बेटा, सर्कुलर मोशन में थीटा किस पे डिपेंड करता है, एंगुलर वेलोसिटी पे, भाई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी, सो देयरफॉर टी विल बी इक्वल टू व्हाट, या फिर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, ओमेगा इनटू टी, सो देयरफॉर आई कैन राइट दिस एज आर साइन ऑफ ओमेगा टी, क्लियर, नाउ इफ दिस इज आर साइन ऑफ ओमेगा टी, this will be equal to r into 1 minus cos of omega into t, theta to omega into t, velocity into time hi to milega humko ye angle, iska matlab ab dekhte hain x component kitna hoga, iska a coordinate kitna hoga, x coordinate, dekho x matlab kya, jo velocity se chal raha hai usi velocity se chalega, clear, time kitna ho gaya hamara small t, velocity kitni thi us direction mein, v1 x component v1, so कितना distance ये move करेगा, v1 into t, यही तो होगा इसका x component, तो यहाँ घूम रहा था, यहाँ यहाँ तक तो पहुंच जाएगा ये, बराबर है, तो ये x component हो गया, अब देखो y component, r sin omega t, this will be equal to r sin of omega t, ओमेगा कितना है, आर कितना है बताओ पहले, एम बी टू अपॉन बी जीरो क्यू इंटू साइन ऑफ ओमेगा क्या है, व्हाट इज ओमेगा, नहीं नहीं ओमेगा कितना आता है सर्कुलर मोशन में, डी क्यू बाय, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ b0 q by m into t, z z कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, माइनस पीछे है ना, माइनस r, r कितना है, m v2 upon b0 q into 1 minus cos of omega, कितना है b0 q by m into t, ये हो गया इसका z कोऑर्डिनेट, ठीक है, समझ में आया, घर में जाके इसको अच्छे से देखना, मजा आ जाएगा समझ से समझ में, ये एक ही प्रॉब्लम में तुम्हारे पूरे कॉन्सेप्ट एकदम ओके हो जाएंगे, ओके, जहाँ भी कंफ्यूजन है सब लास्ट में हम पूछे, ये वाला, ये वाला, ओमेगा तो सबके लिए सेम ही है, इंटू टी, ओके ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पाइरल पाथ ऑफ दिस दिस वन, हेलिकल पाथ ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग एट एन एंगल ऑफ थीटा टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, ओके, सो जब एक एंगल थीटा पे ये मूव कर रहा था तो ये हेलिकल पाथ में मूव करता है, क्लियर, सो यू रिवाइज दिस अगेन, मजा आ जाएगा, ओके, जितना रिवाइज करोगे अच्छे से समझोगे मजा आ जाएगा, इसमें कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज है नहीं, यू विल बी एबल टू इजीली अंडरस्टैंड दिस, ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब।